Hey guys, I am Varun, certified nutritionist and supplement specialist. Guys, तो आप लोग कई बार कमेंट करते हो मुझे Instagram पर कमेंट करते हो, YouTube के पेज पर मुझे कमेंट करते हो, मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो कि बियर्ड के बारे में बताइए। तो मेरे पास आज जैसे दो प्रोडक्ट हैं, एक है ये है एक्चुअली ब्रांड का नाम मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। ये एक ब्रांड है जो कि बियर्ड ग्रोथ ऑयल बनाते हैं। ये ग्रोथ ऑयल कुछ मैं दिखा देता हूँ आपको, कुछ इस टाइप से, ठीक है, कि ये क्लेम करते हैं कि आप अपने नॉर्मल स्किन पे लगाएंगे तो आपकी बियर्ड ग्रोथ होगी, और सेकंड कुछ इस टाइप से ये क्रीम आती है कि आप इसको यूज करेंगे तो आपकी बियर्ड बहुत ज्यादा अच्छी ग्रो हो जाएगी। तो मेरी बियर्ड को देख के कई भाई लोग बोलते हैं कि भैया हमारी बियर्ड नहीं आती है तो हम क्या करें उस चीज के लिए, तो क्या ये प्रोडक्ट आप लगा लें? ये प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको बैठती है 450 रुपीज और ये आपको मिलता है 1100 रुपीज समथिंग का, ठीक है। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो क्या इनसे मेरी बियर्ड आ गई या क्या था, मेरी बियर्ड पहले तो नहीं आती थी। तो गाइज आज एक छोटा सा मैं आपको ये वीडियो किसी भी ब्रांड को इसीलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कई ब्रांड्स मुझ पर लॉ सूट फाइल कर देते हैं। गाइज ऑनेस्टली मैं एक चीज आप सभी को क्लियर कर दूं कि लॉ सूट मैं अभी नहीं झेल सकता, इस कंडीशन में अभी नहीं हूं, इतना फाइनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूं कि मैं लॉ सूट झेलने लग जाऊं। गाइज तो क्या इन प्रोडक्ट में रियल में दम है? ये मैंने यूज किया है तभी मेरे पास है गाइस, ये मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ है जिसको मैंने खरीदा था। अभी ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से ऑयल होता है, इसको आप अपनी स्किन मतलब अपनी बियर्ड वाली जगह पे जहां जहां आप वहां लगाएंगे, और इसको भी आप लगाएंगे तो आपकी बियर्ड अच्छी होगी ऐसा बोला जाता है। तो क्या इन प्रोडक्ट ने मेरे ऊपर काम किया? गाइस ये रिव्यू मेरा है, करीब 6 महीने मैंने यूज किया, उसके बाद बताता हूं आपको। गाइज ये प्रोडक्ट काम नहीं करते, ऑनेस्टली सीधी सिंपल एक वर्ड में भाषा में बोलता हूं मैं आपको, ये प्रोडक्ट काम नहीं करते हैं और आपको भी इस चीज से बचना चाहिए। क्योंकि बियर्ड ग्रोथ करने के लिए सबसे पहला फैक्टर होता है, फॉर्म फैक्टर होता है आपकी बॉडी में चलने वाले गाइज हॉर्मोन्स, जिसमें से एक होता है टेस्टोस्टेरोन। अब मेरे भाई लोग बोलेंगे कि हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल, आप हमारी फिजिक भी अच्छी फिर भी हमारी बियर्ड नहीं आती, तो गाइस सेकंड रीजन इसमें होता है जेनेटिक्स। अगर आप देखेंगे आपके जो फादर है, आपके ग्रैंडफादर, अगर उनको किसी पर्टिकुलर एरिया में बियर्ड नहीं आती है तो आपको भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहां पर बियर्ड ग्रोथ होगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है गाइस, और आप लोगों को ये प्रोडक्ट मार्केट में बेचे जाते हैं कि ये लगा लो तो आपकी बियर्ड आ जाएगी, वो लगा लो तो आपकी बियर्ड। गाइस इनिशियल डेज में मेरी भी बियर्ड नहीं आती थी, मैंने क्या किया, मैंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखी अपनी लाइफ में, उसके साथ एक अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन रखा जिसमें मैंने विटामिंस मिनरल्स और हाई प्रोटीन डाइट पे रहा, तब जाके मैंने खुद ही ड्रास्टिक चेंजेस, जब जैसे जैसे मेरे मसल्स बड़े होते गए, मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ते गए, तो मेरी बियर्ड भी उस लेवल पे आ गई। गाइस तो डोंट वरी, अगर आप भी बियर्ड मतलब चाहते हैं कि आपकी भी एक अच्छी बियर्ड आए तो इन प्रोडक्ट से बचिए। उसके अलावा आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि ये अगर आप दो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ये हार्डली आपको 1600 रुपए में आएंगे, ठीक है, 1600 से 1700 रुपए के बीच में आएंगे। उस पैसे से आप एक अच्छा मल्टीविटामिन का कोर्स कर सकते हैं तो वहां से आपकी बियर्ड में भी आ जाएगी, ये गारंटी नहीं होती है बाय द वे, यही रियलिटी है कि ये प्रोडक्ट काम नहीं करते हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।